ओ महेश, कहाँ छुपा बैठा है रे तू? छे, कल मुँह ही मोटी भैंस, इसके दिमाग और शरीर दोनों की चर्बी उतार दूंगी। गोरी भैंस। ओ मेरी औलाद, तू यहाँ है? दादी सासू, क्या बना रही हो? दिखता नहीं नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ता बना रही हूँ? थोड़ा सांभर भी डालो ना। जहर भी डालू ताकि तुझसे भी छुटकारा मिल जाए? कुछ भी। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे भू, 80-90 पूरे 100, ये क्या बकवास है? अलार्म की रिंगटोन है। कब एक्सेप्ट करोगी? लव का एप्लीकेशन। ये बताओ तुम कब गिरोगी? लव, लव में। तुम कब करोगी? फोन उसे तो मैं कर रहे। एक बात बता बेटा, तुझे प्यार करने के लिए मेले के अलावा कोई नहीं मिली थी? अरे दादी, एमएलए से शादी हो गई तो लाइफ सेट हो जाएगी। लाल बत्ती वाली कार फ्री, सरकारी खर्च पर घूमेंगे, ट्रेन के लिए टिकट फ्री, ऊपर से सरकार की तरफ से फोन भी फ्री, राशन से लेकर भाषण तक सब फ्री मिलेगा दादी। इज्जत भी फ्री में नीलाम हो जाएगी। अरे यार, क्या बकवास टाइमिंग है मनहूस साला। वेलकम सर। देखो बेटा, लड़की को ताड़ना, घुमाना, माँ बनाना तुम्हारा पर्सनल मैटर है, लेकिन उससे पेरेंट्स को हार्ट अटैक हो सकता है। वो तो आपको भी हो सकता है। कहते हैं ना, यत्र नारी पूज्यन्ते समथिंग समथिंग देवता, इसका अर्थ जानते हो बांगड़ू? हाँ, लड़की को पूजोगे तो राखी बांधेगी, पटाओगे तो शादी कर लेगी, यही है ना अंकल? बाप रे। कमाल है सर, इसके लाइफ के कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हैं। एक दिन इसको ही क्लियर कर दूंगा। अंकल से कुछ संस्कार सीखो। सॉरी सर, मैं उतना भी महान नहीं हूँ, मैंने ऊटी में खूंटी गाड़ दी, अब अपनी वाइफ को लेने आया हूँ। बस कर, कितना डालेगी? मेरे स्वामी आ गए, मुझे कुछ नहीं खाना।